हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ ब्रांड न्यू कस्टम वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद समीर। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अच्छी चीज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोसेस कंप्लीट करते करते इतना टाइम हो जाएगा मुझे खुद बाद में मालूम पड़ा, बट कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पूछा था आप सबसे कि मैं आपकी बार जैकेट पर क्या बनाऊं, काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे अच्छे आइडिया दिए थे। किसी ने बोला एनिमी, किसी ने बोला आपका फ़ोटो, किसी ने बोला बाइक, ये वो जो भी उनके आइडिया थे वो सब बोले, मगर एक भाई ने तो हद पार कर दी। देखो उन्होंने क्या बोला। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जैकेट दीजिए, मैं उसे बना के दे दूंगा, तो आप पहन के घूमना उसे। सारे लोगों ने ड्रैगन बॉल जी और गोकू का डिमांड किया था कि गोकू बनाए, तो मैंने सोचा आप जैकेट पर गोकू ही बनाया जाए अच्छा सी एक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कस्टम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। और काफ़ी टाइम लगता है इसे बनाने में, तो लाइक और शेयर होता है तो मोटिवेट फील होता है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ये डे वन है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ ग्रिड मेथड के थ्रू ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैंने आईज से स्टार्ट किया। और यहाँ पर मेरा आधा ड्राइंग कंप्लीट हो गया, अब आधा ड्राइंग जो है उसके हेयर्स वो बनाना है। वो ड्रॉ करने के बाद अब टाइम आ गया कि उस पर बेस कोट मारने का, यानी कि व्हाइट कलर मारने का। यहाँ पर मैंने आई से स्टार्ट किया व्हाइट कलर मारना। They want the best of me now, best of me. हमारा डे टू, तो आज के दिन मैं इस पर इसकी जो हेयर की शेडिंग है उस पर एक शेड पे मैं गोल्डन कलर अप्लाई करूंगा। To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no. तो गोल्डन कलर अप्लाई होने के बाद, गोल्डन कलर कंप्लीट होने के बाद अब बारी है इस पर येलो कलर मारने की, इसका दूसरा शेड। डे थ्री में मैंने क्लोथ के पार्ट कंप्लीट कर लिए गोकू के। अब बारी है बॉडी को व्हाइट पेंट करने की, बॉडी को व्हाइट कोटिंग करने की। इसका डे फोर लास्ट डे, डे फोर में मैं इसके सारे इसके स्किन टोन कलर उनको मैच कर, शेडिंग मैच करके उस पर अप्लाई करूंगा व्हाइट कोट के ऊपर। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपकी इसका ये शेडिंग कैसा लगा आपको, इसका स्किन टोन का शेडिंग कैसा लगा, हेयर का शेडिंग कैसा लगा, क्लोथ का शेडिंग कैसा लगा, वो सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
शेडिंग के बाद अब बारी है गोकू को ब्लैक बॉर्डर, उसके जो भी पार्ट्स हैं उनको ब्लैक बॉर्डर करके उसको हाईलाइट करना। तो वेलकम बैक अगेन, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंजॉय किया हो, कस्टम प्रोसेस आपको देखने मज़ा आया, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि जैकेट आपको कैसी लगी रही। वो जैकेट फ्रंट वाला प्रोसेस मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। तो ये रहा हमारे गोकू की जो बैक साइड लिखा हुआ रहता है वो, ये रहा हमारा SSJ3 गोकू। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये गोकू कैसा लगा, इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, इसकी शेडिंग और इसके स्किन टोन कलर मैच कर। प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि ये क्या। मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और कस्टम प्रोसेस के साथ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते वो मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। रुको जरा, that's all I need, I'll make it happen with some work and belief, know what I want, so I'll take it on, I've made mistakes, but mistakes make you strong, let's break it down for-